गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, जैसा कि आज का हमारा जो उपविषय रहेगा वाक्य विचार, आपके पाठ्यक्रम में जो ये व्याकरण अपना व्याकरण पुस्तक है इसी से 15वां अध्याय है वाक्य विचार। तो इसी पर आज हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आप देखिए कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जो शब्दों का सार्थक समूह होता है उसको वाक्य कहते हैं। अब शब्दों का सार्थक समूह क्या है, सार्थक होता क्या है? सार्थक का मतलब होता है जो कोई ना कोई अपना अर्थ देने वाला होता है, यानी कि जो बेनिफिशियल जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे राम स्कूल में जाता है, मोहन क्रिकेट मैच खेल रहा है, पेड़ काटने वाला मजदूर घर चला गया, स्पेरा बीन बजा रहा है, इस प्रकार के जो वाक्य हैं ये आप जो ये शब्द हैं इनका जो समूह बन जाएगा इस समूह को ही, और इस समूह के बनने से जो एक उचित अर्थ निकलेगा उसको ही हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये जो वाक्य है वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य है और एक विधेय। अब उद्देश्य क्या है, सब्जेक्ट क्या है आपका? तो उद्देश्य होता है कि वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा गया है, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। यानी कि वाक्य में जिसके बारे में कहा गया उसे तो उद्देश्य कहते हैं, और जो कहा गया है उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। अब जैसे स्पेरा बीन बजा रहा है और पेड़ काटने वाला मजदूर घर चला रहा है। अब देखिए स्पेरा स्पेरे द्वारा बीन बजाए जाने की बात कही गई है, अतः जो स्पेरा पद है जो वाक्य का कर्ता है और साथ ही वाक्य का उद्देश्य भी है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है, इसी प्रकार वाक्य दो का उद्देश्य पेड़ काटने वाला मजदूर, क्योंकि वाक्य में अपने घर जाने के बाद पेड़ काटने वाले मजदूर के बारे में कही गई है। वाक्य दो के उद्देश्य में कर्ता मजदूर को विस्तार देने वाला विशेषण पद पेड़ काटने वाला भी है, जो उद्देश्य का विस्तार है। यानी कि देखो बात को समझने की कोशिश करें, स्पेरा बीन बजा रहे हैं, स्पेरा क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, बाकी वाक्य उसका विधेय हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? आगे देखिएगा विधेय, वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, यानी कि देखो मैंने सिंपल बताया आपको कि जो कुछ कहा जाता है जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य, और जो कुछ कहा जाए वो विधेय। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पे देखें, इसमें रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ रही है, ये वाक्य है, इसका उद्देश्य क्या है, रेलगाड़ी, और विधेय क्या है इसका, दौड़ रही है, और विधेय का विस्तार क्या है, पटरी पर, यानी कि उद्देश्य रेलगाड़ी है और विधेय क्या है, पटरी पर दौड़ रही है, ये उसका क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। ये फिर उद्देश्य का विस्तार, विधेय के विस्तारक, ये आगे इस प्रकार के वाक्य हैं। जैसे सभी बच्चे कक्षा में शांत बैठे हैं, सभी उद्देश्य हो जाएंगे, बच्चे उद्देश्य का विस्तारक हो जाएगा, विधेय बैठे हैं और विधेय का विस्तार क्या हो जाएगा, कक्षा में शांत। ऐसे ही सब्जी बेचने वाला लड़का घर के बाहर खड़ा है, लड़का क्या हो जाएगा, लड़का उद्देश्य, सब्जी बेचने वाला उद्देश्य का विस्तार, विधेय हो जाएगा खड़ा है, और विधेय का विस्तार हो जाएगा घर के बाहर। ठीक है भाई, अब बात करते हैं आगे कि वाक्य के प्रकार कितने हैं, वाक्य कितने प्रकार का होता है। ठीक है, वाक्य क्या है, कितने प्रकार का होता है, वाक्य के भेद कितने होते हैं। ठीक है, अब वाक्य के जो भेद हैं
रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे, यानी कि वाक्य को के दो भेद होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। दूसरा क्या होता है, अर्थ के आधार पर। अब रचना के आधार पर जो वाक्य हैं, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, एक सरल वाक्य, दूसरा जटिल वाक्य। आपकी इस किताब में दो दिए हुए हैं, लेकिन इसमें वैसे तीन उपभेद होते हैं, एक सरल वाक्य, एक संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। आपकी किताब में ये जटिल वाक्य दे दिया और फिर जटिल के दो भेद कर दिए, संयुक्त और मिश्र वाक्य। ठीक है, तो आप तीन करें, तीन के अनुसार चलें, दो के अनुसार न चलें। तो सरल वाक्य क्या है, जिसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, यानी कि कर्ता एक है क्रिया एक है, उसको हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। यानी कि एक क्रिया पदबंध वाले वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, जिसमें एक कर्ता और एक ही क्रिया हो। और कई बार ऐसा भी होता है, कर्ता एक होता है लेकिन क्रिया एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है। इस प्रकार के वाक्य को भी हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य ही कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर देखिएगा सरल वाक्य के, आज स्कूल बंद रहेगा, लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, बंदर पेड़ से लटका हुआ है, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, मैंने चिड़ियाघर में एक शेर देखा, वे लोग रोज मछलियां पकड़ते हैं। अब जो जटिल वाक्य हैं, जटिल जटिल वाक्य जिन वाक्यों में एक से अधिक क्रिया पदबंध होते हैं और रचना की दृष्टि से वह वाक्य जटिल वाक्य कहलाता है। यानी कि इसको आप इस प्रकार की परिभाषा को छोड़ दे, आप सिंपल इससे परिभाषा देखिएगा। देखो तीन के अनुसार चलेंगे हम, दो के अनुसार नहीं चलेंगे। संयुक्त वाक्य देखो, पहले सरल देख लिया, इसके बाद संयुक्त। संयुक्त में क्या है, संयुक्त वाक्य में दो कर्ता होते हैं और दो ही क्रिया होती है, यानी कि दो उद्देश्य और दो विधेय होते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। और ये संयुक्त वाक्य किससे जुड़े हुए होते हैं, ये योजक शब्दों से जुड़े हुए होते हैं, और अथवा किंतु या परंतु इसलिए लेकिन, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, इस प्रकार के योजक शब्दों से ये जुड़े हुए होते हैं। ठीक है भाई, तो तीसरा आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है, इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक प्रधान वाक्य और बाकी उस पर आश्रित होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य। ठीक है, उदाहरण के तौर पे, जैसे यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। मेहनत करना यानी कि पास होना किस पर निर्भर है, मेहनत करने पर। अगर पास होना है तो वो किस पर निर्भर करता है, मेहनत करने पर। ठीक है, यदि फसल, यदि बारिश होगी तो तब, यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। फसल अच्छी होना किस पर निर्भर करता है, बारिश होने पर। इस प्रकार के वाक्यों को हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब आगे है आपका उपवाक्य किसे कहते हैं, उपवाक्य। ठीक है, उपवाक्य सरल वाक्य, उपवाक्य में गुणों के आधार पर कोई अंतर नहीं होता। जो सरल वाक्य किसी जटिल वाक्य का अंग बन जाए, यानी कि जो सिंपल वाक्य है वो जब जटिल वाक्य का एक पार्ट बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य के भेद भी दिए हुए हैं, ये नीचे स्वतंत्र या समानाधिकृत उपवाक्य, जैसे प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। जैसे उदाहरण के तौर पर, जो लड़की गाना गा रही है तथा वह मेरी बहन है। ठीक है, इस प्रकार के ये क्या हो जाएंगे, उपवाक्य बन जाएंगे आपके। आगे संयुक्त वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। जैसे और अन्य एग्जाम्पल भी देखें, अगर संयुक्त का या मिश्र का, तो जैसे संयुक्त का देखें, सब लोग वहां पहुंचो और नारे लगाने लगे। सब लोग वहां पहुंचे और नारे लगाने लगे, तुम चलना चाहोगे या यहीं आराम करोगे।
नौकरी नहीं कर सकते तो व्यापार एक कर लो। मैं ना आ रहा था इसलिए आपका फोन नहीं सुन पाया। वह शादी तो करेगा परंतु घर जमाई बनकर नहीं रहेगा। ऐसे ही मिश्र वाक्य के अगर उदाहरण देखें तो माता जी ने कहा कि वे मंदिर नहीं जाएंगे, वह लड़की नहीं आई जिसने गाना सुनाया था। अब इसमें देखो, माता जी ने कहा कि वे मंदिर नहीं जाएंगे, इसमें प्रधान उपवाक्य क्या है, माता जी ने कहा, और आश्रित क्या हो जाएगा इसमें, कि वे मंदिर नहीं जाएंगी। ऐसे ही वह लड़की नहीं आई जिसने गाना सुनाया था, इसमें प्रधान उपवाक्य हो गया वह लड़की नहीं आई और आश्रित हो गया जिसने गाना सुनाया था। ऐसे ही तुम जितना दोगे उतना मेरे लिए काफी है। अब इसमें प्रधान उपवाक्य क्या हो गया, तुम जितना दोगी और आश्रित क्या हो गया, उतना मेरे लिए काफी है। ठीक है, अब बात आती है हमारी, ये तो ध्येय वाक्य आपके देखो अगर एक दूसरे में बदलना है, जैसे सरल से संयुक्त में बदले या संयुक्त से मिश्र में बदले या मिश्र से संयुक्त में या सरल में बदले, तो हमें सरल के नियमों को छोड़ के संयुक्त के नियम अपना लेंगे। अगर संयुक्त से मिश्र में बदलेंगे तो संयुक्त के नियमों को छोड़ के किसके नियमों को अपना लेंगे, मिश्र वाक्य के नियमों को अपना लेंगे। ऐसे मिश्र को अगर सरल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सरल वाक्य के नियमों को अपना लेंगे। ठीक है भाई, अब है बात आती है हमारी अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कथनात्मक वाक्य, दूसरा आज्ञार्थक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा इच्छार्थक, पांचवा संभावना, छठा निषेध, सातवां विस्मयादि और आठवां संकेत। ऐसे इनको भी हम एक दूसरे में आपस में बदल सकते हैं। जैसे कथनात्मक वाक्य देखिए, इस वर्ग में तो सामान्य कथन ही आते हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति या उसकी अवस्था की सूचना के बारे में पता चलता है। जैसे बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, बच्चे किधर दौड़ रहे हैं, मैदान में। जैसे वह आंखों की डॉक्टर है, वह किसके डॉक्टर है, आंखों की। ठीक है भाई, आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य में देखिएगा, जिन वाक्यों में वक्ता किसी को आज्ञा आदेश अनुमति देता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे आज तो यही सो जा, तुम अपना काम करो, उसे दवाई पिला दो, ये इस प्रकार के वाक्यों में आदेश दिया गया। ठीक है, फिर है चौथा है आपका प्रश्नवाचक वाक्य और तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों में वक्ता द्वारा कोई ना कोई सवाल किया जाता है और इस प्रकार से उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये 5W और 1H का प्रयोग होता है इसमें, यानी कि 1H मीन्स हाउ और व्हेन व्हाट वेयर व्हाई, इस प्रकार से प्रयोग होता है, कब कहाँ क्यों किसने, ये 6 ककारों का प्रयोग होता है इसमें। ठीक है भाई, जैसे और साथ के साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा आपको, क्या वह क्या यह मकान खाली है, अब उत्तर मिलेगा हाँ या ना में कि हाँ ये मकान खाली है या नहीं है। क्या तुम्हारी नौकरी लग गई, हाँ या नहीं में उत्तर मिलेगा। ठीक है, फिर दूसरा है आपका दूसरा इच्छार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में वक्ता अपनी किसी इच्छा को प्रकट करता है उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी नौकरी, आपको नौकरी मिल जाए, ईश्वर आपकी यात्रा मंगल में करे, बारिश आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, आप जल्दी से, मेरी इच्छा है कि आप 10 फरवरी को स्कूल में आ जाएं। ठीक है, तो ये क्या है, इस प्रकार के वाक्य, इस प्रकार के वाक्य इच्छार्थक वाक्य होते हैं। फिर पांचवा है संभावना, इन वाक्यों में वक्ता कार्य के होने या न होने की संभावना प्रकट करेगा, क्या करेगा, संभावना प्रकट। जैसे शायद ट्रेन देर से आए, हो सकता है तुम्हारा काम बन जाए, या दवाई दे दे, हो सकता है कि बुखार उतर जाए। ठीक है, फिर छठा है निषेध या नकारात्मक वाक्य, निषेध या नकारात्मक वाक्य। अब इन वाक्यों में सामान्य कथनों को नकारा जाता है, हिंदी में प्राय
नहीं मत ने लगाकर निषेधात्मक वाक्य प्रकट किए जाते हैं और कथनात्मक वाक्यों को नहीं लगाकर निषेधात्मक वाक्य भी बनाया जाता है। जैसे कथनात्मक को निषेध कैसे बनाया जाएगा, आज फिल्म नहीं दिखाई जाएगी, कुछ मंत्रियों को नहीं हटाया गया, प्रधानमंत्री अमेरिका नहीं जा रहे हैं, किताब मेज पर नहीं है। इसके अलावा आज्यार्थक वाक्यों को भी नकारात्मक वाक्य में बदलने के लिए मत या इच्छार्थक एवं संभावनार्थक वाक्यों को भी नकारात्मक वाक्यों में बदलने के लिए न का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे सामने झूठ मत बोलो, ठीक है, आप उसकी बात मत सुनिए, देर रात तक मत जागा करो, जैसे मैं चाहता हूं कि आप सभी सफल न हो, तुम्हें कभी नौकरी न मिले। फिर है आपका संभावनार्थक में, शायद ट्रेन समय पर ना आए, हो सकता है कि आज बारिश न हो, ठीक है। फिर सातवां भेद है आपका विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि में क्या है, इन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष, प्रेम आदि के भाव प्रकट किए जाएंगे, ठीक है, और साथ के साथ में विस्मयादि बोधक चिन्ह भी मिलेगा। जैसे वाह कितना बढ़िया भोजन बनाया, हाय मैं क्या करूं, शाबाश तुमने तो कमाल ही कर दिया, उफ कितनी सर्दी है, कितनी गर्मी है, छी छी कितनी गंदी जगह है, अरे यह क्या हो रहा, ठीक है। इस प्रकार के जो वाक्य हैं ये विस्मयादि में जाएंगे। फिर आठवां है संकेत या शर्तवाची वाक्य। इन वाक्य में किसी न किसी शर्त को पूरा करने का काम किया जाता है। इस प्रकार के वाक्यों को शर्तवाची या संकेत वाचक वाक्य कहते हैं, यानी कि किसी की ओर संकेत किया जाता है। जैसे यदि विमान का किराया देंगे तो ही मैं हैदराबाद जाऊंगा, यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, अगर मीरा मेरी बात मानेगी तो मैं उसका काम अवश्य करूंगा। इस प्रकार के जो वाक्य हैं ये संकेतवाचक या शर्तवाची वाक्य कहलाते हैं। अब आप अपनी पेन पेंसिल निकाल लेना, बैक एक्सरसाइज जो है बैक एक्सरसाइज फेल कर लेना भाई, साथ के साथ में अपनी व्याकरण की किताब निकाल लेना। जिस विद्यार्थी के पास व्याकरण की किताब नहीं है तो वो अपनी नोटबुक में भी इसे उतार ले, बाद में इसे जब आपकी परीक्षा होंगी उस समय भलीभांति पूर्वक करे, ताकि आपकी परीक्षा में आपके जो अंक है वो न कट पाए। तो दूसरे प्रश्न से देखेंगे। देखिए, दिए गए सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलिए। अमेरिका जाकर वह वहीं बस गई, वह अमेरिका गई और वहीं बस गई, इस प्रकार से हमें इन्हें बदलना है, ठीक है। बच्चे ने घर जाकर खाना खाया, बच्चा घर गया और खाना खाया। दोबारा सुन लीजिएगा, बच्चा घर गया और खाना खाया, लिख लिया भाई, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, बच्चा घर गया और खाना खाया, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं चाय तथा कॉफी दोनों पीना चाहता हूँ, मैं चाय पीना चाहता हूँ और कॉफी भी पीना चाहता हूँ, पुनः सुन लीजिएगा, मैं चाय पीना चाहता हूँ और कॉफी भी पीना चाहता हूँ, लिख चुके हो, आगे चलिए। माँ ने राधा को नाश्ता करा के स्कूल भेजा, माँ ने राधा को नाश्ता कराया और स्कूल भेजा, दोबारा सुन लीजिएगा, माँ ने राधा को नाश्ता कराया और स्कूल भेजा। चौथा देखिए, मेरे समझाने पर वह मान गई, मैंने उसे समझाया और वह मान गई, एक बार फिर देखिए, मैंने उसे समझाया और वह मान गई, ठीक है। आगे है पांचवा, सुरेश और मदन दोनों को सजा मिली, सुरेश को सजा मिली और मदन को भी सजा मिली, सुरेश को सजा मिली और मदन को भी सजा मिली। अंतिम देखिएगा, बादलों के छंटते ही धूप निकल आई, बादल छंट गए और धूप निकल आई,
और अगर इसको मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? जैसे ही बादल छटे वैसे ही धूप निकल गई। ठीक है, आगे देखिएगा, ये पुनः सुन लीजिएगा इसको, बादल छट गए और धूप निकल आई। फिर तीसरे पे चलते हैं, दिए गए सरल वाक्यों को मिश्र वाक्य में बदलिए। जैसे मेहनत करने वाले छात्र सबके प्रिय होते हैं, जो छात्र मेहनत करते हुए सबके प्रिय होते हैं। देखिए, दूसरों की मदद करने वाला सदा खुश रहता है, जो दूसरों की मदद करता है वह सदा सुखी रहता है, जो दूसरों की मदद करता है वह सदा सुखी रहता है। आगे है, फोन की घंटी बजने के समय मैं सो रहा था, जब फोन की घंटी बजी तब मैं सो रहा था। दोबारा सुन लीजिएगा, जब फोन की घंटी बजी तब मैं सो रहा था। इस कमरे में कुछ दिन गांधी जी रहे थे, जो यह कमरा है इसमें गांधी जी कुछ दिन रहे थे, जो यह कमरा है इसमें गांधी जी कुछ दिन रहे थे। चौथा देखिएगा, परिश्रम करने वाले लोगों को नौकरी जरूर मिलती है, जो लोग परिश्रम करते हैं उनको नौकरी जरूर मिलती है, जो लोग परिश्रम करते हैं उनको नौकरी जरूर मिलती है। पांचवा है, घोड़ा रेलगाड़ी की तरह तेज दौड़ रहा था, जो घोड़ा दौड़ रहा है वह रेलगाड़ी की तरह तेज दौड़ता जो घोड़ा दौड़ रहा था वह रेलगाड़ी की तरह तेज दौड़ता था। ठीक है, आगे है, मेरे कमरे में बहुत पुरानी घड़ी है, मेरे कमरे में जो घड़ी है वह बहुत पुरानी है। दोबारा सुन लीजिएगा, मेरे कमरे में जो घड़ी है वह बहुत पुरानी है। ठीक है, चौथे में देखिएगा, रचना की दृष्टि से वाक्यों के भेद लिखिए। जिन्हें मैं जानता ही नहीं उनसे क्या बात करूं, मिश्र वाक्य लिख लीजिएगा इसमें। फिर मेरे घर के पास एक चर्च है, इसमें सरल वाक्य लिख लीजिएगा। फिर है, वह छात्रावास में रहता है पर खुश नहीं है, इसे संयुक्त में लिख लें। फिर जब मैं दिल्ली में नहीं था तब विस्फोट हुआ था, इसको मिस्र में लिखें। मैं बीमार था अतः आपसे मिलने न आ सका, इसे आप संयुक्त में लिखें। फिर बाजार जाकर वह सारा सामान ले आई, इसे आप सरल में लिखें। पुनः सुन लीजिएगा, पहले में आप मिस्र वाक्य लिखें, दूसरे में सरल, तीसरे में संयुक्त, चौथे में मिस्र, पांचवे में संयुक्त, छठे में आप लिखो सरल। ठीक है भाई, अब पांचवा देखिएगा, कोष्टक में दिए गए निर्देशों के अनुसार वाक्य बदलिए। वह आपसे बात नहीं करेगी, इसे कथनात्मक वाक्य में बदलना है, वह आपसे बात करेगी, वह आपसे बात करेगी। ठीक है, फिर दूसरा देखिएगा, मैं आपकी बात मानूंगा, थोड़े ही प्रयोग करते हुए निषेध में लिखना है, मैं आपकी बात थोड़े ही मानूंगा। फिर उन्होंने खाना खा लिया, इसे प्रश्नवाचक में बदलना है, क्या उन्होंने खाना खा लिया। फिर चौथा, आपको सफलता मिलेगी, इसे इच्छा में बदलना, आपको सफलता मिल जाए। ठीक है, आपको सफलता मिल जाए। पांचवा है, आज बारिश आएगी, इसे संभावना में बदलना है, शायद आज बारिश आए। अंतिम है, वह जगह बहुत गंदी है, छी वह जगह बहुत गंदी है। छी छी भी कर सकते हो और छी भी कर सकते हो। अब देखिए दोबारा एक बार फिर से, पहले को आप लिखोगे वह आपसे बात करेगी, दूसरे में लिखोगे
मैं आपके बात थोड़ी ही मानूंगा। तीसरे में क्या उन्होंने खा लिया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना। चौथे में आपको सफलता मिल जाए। पांचवे में शायद आज बारिश आए। छठे में छी वह जगह बहुत गंदी है। ठीक है भाई, ये जो अध्याय था ये आपका समाप्त हो गया और कल करेंगे हम जो आपका वाक्यगत अशुद्धियां हैं उनका शोधन है। 16वां अध्याय करेंगे। ये आप अपनी बैक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। ये आज का आपका गृह कार्य रहेगा। ठीक है, और अपनी जो फेयर नोटबुक है उसे भी आप कंप्लीट कर लेना, वसंत की भारत की खोज। ठीक है भाई, अब आप में से अगर किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हो।